फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल अलायंस। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए नेक्स्ट क्रिस्टल को लेकर के। फ्रेंड्स, क्रिस्टल का वीडियो आप लोगों तक पहुँचे हैं, मुझे प्लीज़ बताना आप लोग कौन से क्रिस्टल के बारे में जानना चाहते हैं। आज मैं आपसे बात करूँगी हॉलाइट के बारे में। फ्रेंड्स, हॉलाइट तो एक ऐसा क्रिस्टल है जो कि आपको लिटरली नेगेटिव एनर्जी से बचाने का काम करता है, आपको पीस में रखता है, आपको शांति में रखता है, आपको पॉजिटिव एनर्जी में हमेशा रखता है, दूसरी और चीज़ों से हटाने का काम आपको करता है। हॉलाइट जब आप पहनते हो, आपका जो क्या कहना चाहिए, इमोशनल हीलिंग है आपकी, वो होती है। ठीक है, इमोशनल हीलिंग होती है, आप सूदिंग एनर्जी आपको देता है, बहुत सूदिंग क्रिस्टल है। उसको मैं पास से दिखाई थी आपको, ठीक है, बहुत सूदिंग क्रिस्टल है, इससे सूदिंग वाइब्रेशन आती है। इसको पास में रख करके आप आराम से सो सकते हो। जब भी ये क्रिस्टल आप पहने तो मानकर चलिए कि इसको कुछ टाइम लगातार पहने, ठीक है, ये थोड़े दिनों तक पहनने से काम बिल्कुल नहीं करता है, इसको आपने रेगुलर कुछ दिनों तक पहनना रहता है। जब भी आप इसको पहनते हो, सूदिंग वाइब्रेशन तो आपको मिलती है, साथ में आपके साथ से क्या होता है ना, एक जब आप लंबा समय इसको पहने रहोगे तो आप पता करेंगे कि आसपास के सिचुएशन बहुत ज्यादा असर नहीं कर रही है, आसपास के सिचुएशन से आप कट ऑफ फील करते हो। जो व्यक्तियों को आज मेडिटेशन में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन फील होता है या फोकस की कमी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा फील करते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको हमेशा हॉलाइट पहन के रखना चाहिए। स्टूडेंट को जरूर पहनना चाहिए, फोकस बढ़ाता है आपका, ठीक है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ाता है, फोकस बढ़ाता है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि अगर आपको ऐसा फील होता है मेडिटेशन में आपका मन नहीं लगता या और दूसरे डिस्ट्रैक्शंस आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, खुद के पुराने थॉट्स आते हैं माइंड में, ज़रूर आप हॉलाइट पहने। डियर, मैं बताती हूँ आपको मेरा एक्सपीरियंस। एक्चुअली मैं हॉलाइट नहीं पहनती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और क्योंकि जब से अवेकनिंग हुई है, खुद में इस कदर फोकस्ड रहना, खुद में कनेक्ट करना, स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करना, ये स्टार्ट हो गया था, तो बाकायदा मुझे हॉलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये डिवाइन की कृपा से मुझे नहीं ज़रूरत पड़ी थी हॉलाइट की। पर हुआ क्या कि अभी कुछ समय पहले मेरे घर पर जो है ना कंस्ट्रक्शन का काम चला, काफ़ी सारा दिन में काफ़ी बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही है ना, जो होता है कंस्ट्रक्शन के टाइम पर होता है कि काफ़ी आवाज़ें आती हैं, काफ़ी उन सारे केओस से लोग बोल रहे हैं, जो काम कर रहे हैं ना बोल रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं या तोड़ फोड़, ये सब का उस सबकी एनर्जी से दूर रहने के लिए मैंने हॉलाइट लिया। तब से मेरे पास में, मैं इसको रेगुलर पहन रही हूँ। लिटरली उस वक्त मुझे बहुत रिलीफ हुआ कि मैं फोकस के साथ में अपनी जो डेली का शेड्यूल है उसको कर पाऊँ, प्लस में मेरा जो एनर्जी है वो और सारी इन सारी चीज़ों की वजह से डिस्टर्ब ना हो पाए। एक जो व्यक्ति इस लेवल पर होता है, जो इंट्यूशन के बेस पर इस कदर चलता है, मतलब मैं हूँ या कोई भी हो, आप भी हो, उसको अपने आप को बहुत ओके रखना पड़ता है। इसकी वजह से जो रेमेडी लगती है, जो चीज़ें लगती है, डिवाइन अपने आप ही आपको इंट्यूटिवली बताए थे और वो चीज़ आपको करनी चाहिए। तो तब से मेरे पास में, तब से मैं इसको रेगुलर पहनती हूँ और रात को अपने पास ही रख करके सोती हूँ। तो ऑलमोस्ट ये वाला और जो ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल है मेरे पास में, ठीक है, ये और ये क्लियर क्वार्ट्ज, ये दो क्रिस्टल ऐसे हैं जो लगातार मेरे पास में 24/7 रहते हैं, ठीक है, 24/7। अच्छा, तो ये तो हुई बात अलग। हाँ, तो जब भी आप इसको पहनते हो तो आसपास की दूसरी एनर्जी से दूर हटा हुआ खुद को पाते हो। दूसरी चीज़ें आती हैं, ऐसे नहीं है कि दूसरी चीज़ों को आप फील नहीं करते हो, फील करते हो, आती हैं, सिर के ऊपर से निकल जाती हैं, तो आपको बहुत रियायत मिलती है। अगर आपके घर पे कलेश बहुत ज़्यादा रहता है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है, आप ये चाहते हो कि हमारे ऊपर इस चीज़ का कोई असर ना पड़े, या आप कोई एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप कोई मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ भी आप ऐसा कर रहे हैं जहाँ पर आपको ये लगता है कि हमारा जो है इस सब के ऊपर ध्यान ना जाए या बहुत ज़्यादा माइंड नहीं डिस्टर्ब हो, तो लिटरली उसको हॉलाइट ज़रूर पहनना चाहिए। और किन लोगों को हॉलाइट पहनना चाहिए, जो कि शांति में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और शांति मिलती ही नहीं है उन लोगों को। फोकस बढ़ाने के लिए तो बहुत प्रोमिनेंट ये डियर काम करता है। और एक चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूँ इसकी, अगर आप इसका एलेक्सर पीते हो, एलेक्सर इसको पानी में डालकर रख दीजिए, क्लींस कीजिए, पानी में डालकर रख दीजिए, 1.5-2 घंटे के बाद आप उसको पीना शुरू कीजिए और रेगुलर पानी पीजिए, तो आपका इमोशनल बैलेंस होता है। ये जो क्रिस्टल है एक्चुअल में ये आपके अंदर पे कैल्शियम की कमी को पूरी करता है, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति अपने आपके अंदर पे कैल्शियम की कमी, हड्डियों के कोई इश्यूज उनको होते हैं, कैल्शियम की कमी फील करते हैं, विटामिन डी की कमी फील करते हैं अपने अंदर पे बाकायदा वो, ठीक है, और विटामिन ए की कमी फील करते हैं अपने अंदर पे बाकायदा वो, इस क्रिस्टल को यूज़ कर सकते हैं। इसका एलेक्सर पीने में जब आप इस्तेमाल करोगे, ठीक है, तो आपको कैल्शियम की कमी, क्योंकि कैल्शियम की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है, ठीक है, इसकी वजह से आप बाकायदा इसको
इस तरह एलेक्सर पीने में इसका यूज कर सकते हो, काफी प्रोमिनेंट काम करता है। और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, अगर आपको बार बार ऐसा फील होता है कि आप बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी में हो गए, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, आपको जरूर से ज्यादा एंगर रहता है, आपको जरूर से ज्यादा डिस्टर्बेंस फील होती है, आपको ऐसा फील होता है कि कोई भी व्यक्ति हमारी चीजों को ठीक से नहीं समझता, या कम्युनिकेशन डिस्टर्ब जिस व्यक्ति का होता है, वो व्यक्ति अपनी इंट्यूशन या डिसीजन मेकिंग जिस व्यक्ति की ठीक नहीं रहती, इंट्यूशन को बहुत ज्यादा फॉलो नहीं कर पाता या इंट्यूटिवली कनेक्ट नहीं हो पाता, हॉलाइट जरूर जरूर पहने, बहुत प्रोमिनेंट काम करता है। ठीक है, अगर आपको ऐसा फील होता है कि हमारा जो वाटर एलिमेंट है वो डिस्टर्ब है, ठीक है, फायर एलिमेंट की अधिकता है और वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है, तब भी आप होलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, पहनने में यूज कीजिए इसका, एलेक्सर पीजिए, ठीक है, इसको सिर पे रखकर कुछ देर मेडिटेशन कीजिए, इसको अपने हार्ट चक्रा पर रख करके इस तरह है ना, और मेडिटेशन कीजिए, काफी प्रोमिनेंट काम करता है, पहन करके रखना चाहिए। और उसके अलावा आपको रात को लेकर भी साथ में सोना चाहिए, ठीक है जी। जब आप इसको रात में लेकर के सोओगे, ठीक है, और कहना चाहिए प्रे करोगे अपने आर्कएंजल से, एंजल से, जिनसे भी आप ज़्यादा अपना कनेक्शन फील करते हो, बाकायदा आपको बहुत अच्छा नींद आएगा। इनफैक्ट आप कुछ ही दिनों में पाओगे कि आपको कुछ इस तरीके की फीलिंग, मतलब सोने में इस तरीके का एनर्जी आप फील करोगे जो आज से पहले ना आपने फील किया, दैट इज़ द वेरी गुड एनर्जी। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।